हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यू आई एस इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द न्यूज़पेपर फॉर ट्वेंटियथ ऑफ डिसम्बर 2020 तो आज के न्यूज़पेपर में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आपको क्या पढ़ना चाहिए ये हम देखेंगे आज संडे है सो ऑन संडे द न्यूज़ पेपर इज़ अ लिटल बिट डिफरेंट फ्राम वट इज़ इज ऑन द यूजल डेज तो द हिंदू के फ्रंट पेज से शुरू करेंगे हम देर आर पोलिटिकल न्यूज़ नथिंग मच टू डू हेयर तो आज का जो न्यूज़पेपर है वो थोड़ा अनयूजअल होता है बट इट हैज़ सर्टन पेजेस विच हैव अ लॉट ऑफ मटीरियल जैसे आज एडिटोरियल का पेज नहीं होता है बट स्टिल देर आर सर्टन पेजेस दैट आर लाइक विच हैव द कंटेंट इक्वल इन टू दैट ऑफ एन एडिटोरियल पेज तो हम देखेंगे सो लेटस गो डायरेक्टली टू Uh, some useless pages like classifieds as well. So, let us go directly. <clears throat> so, most of these are political news that you do not need to do. Let us go to page number 13. Page number 13 per ये जो न्यूज़ है एनी एक्सप्लाइटेशन ऑफ़ सेंटिनल आइलैंड विल वाइप आउट ट्राइबल्स ये न्यूज़ आपको पढ़नी है पेज नंबर थर्टीन डायरेक्टली ऑन द हिंदू टुडे गो टू पेज नंबर थर्टीन एनी एक्सप्लाइटेशन ऑफ सेंटिनल आइलैंड विल वाइप आउट ट्राइबल्स तो नॉर्दर्न अंडमान में आ, ये एक आर्टिकल ये एक आइलैंड है सेंटिनल आइलैंड यहाँ पर सेंटिनलीज लोग रहते हैं जो कि पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है पी है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप तो कुछ साल पहले यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि एक अमेरिकन नेशनल थे जॉन एलन चाओ तो वो यहाँ पर चले गए थे साइलेंट पे और सेंटिनलिस्ट जो लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रिमिटिव लोग हैं तो इन्होंने एक आउटसाइडर देखा और वो उन्हें थोड़ा अजीब लगा सो दे किल्ड हिम तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा कि जो राइट right है अंडर आर्टिकल नाइनटीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू गो एनी वेयर इन इंडिया टू सेटल डाउन एट एनी प्लेस इन इंडिया जो एक फ्रीडम फंडामेंटल राइट इंडियन सिटीजन को दिया गया है डज इट अप्लाई एवरीवेयर और कैन देयर बी एन एक्सेप्शन तो उसमें एक्सेप्शन थी कोई कुछ, कुछ ऐसी जगह जिन्हें कोर्ट्स या फिर गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई कर दे दैट दिस प्लेस इज़ इंडीजिनस टू अ पर्टिकुलर ट्राइब और दिस प्लेस इज आउट ऑफ बाउंड फॉर पीपल बिकॉज अ सर्टन एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन हेयर तो उन एरियाज़ को रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है बिकॉज वी नो दैट फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट दे आर क्वालिफाइड एंड दे हैव रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि अगर वो आईलैंड किसी पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप के लिए रिजर्व है तो वहाँ पर आम लोग नहीं जा सकते सो द सेम अप्लाइज टू देंटनल आईलैंड एज वेल तो वहाँ पर एक्सप्लॉटेशन की बात हो रही है अब इट्स अ रिलेटिवली आइसोलेटेड आइलैंड वहाँ पर कोई कभी जाता नहीं है लेकिन अब वहाँ पर जो रिसोर्स हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट की नजर जा रही है या जो और प्राइवेट ग्रुप्स हैं उनकी नज़र जा रही है सो दिस इज़ अ यू कैन से एन एनालिसिस आर्टिकल के वहाँ पर एक्सप्लाइटेशन नहीं होनी चाहिए इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है और वहाँ पर जो ट्राइब ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिमेटिव हैं उनको भी डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए सो टू सेव द इकोलॉजी टू सेव द कल्चर एंड टू सेव द ट्रडिशन ऑफ दैट प्लेस दैट आईलैंड शुड बी लेफ्ट अनटच्ड तो ये आर्टिकल आपको पढ़ना है अच्छा है फ्रॉम पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल आपके लिए एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छी फॉर दैट पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैव अनदर आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ प्रिजर्विंग द इकोलॉजी ऑफ दिस पर्टिकुलर आईलैंड तो ये न्यूज आपको पढ़नी है अच्छी न्यूज़ है काफ़ी

<coughs> That's it. अभी ये न्यूज़ चल रही है ये आपको पढ़नी है एक चैन में न्यूज़ है, so do make it a point to read this news. Then uh, not a very important news on this page as well. Yes, coming to the science and technology page. yahan se content shuru ho jata hai thoda on in uh, the Sundays the Hindu science and technology page mein एथिकल चैलेंजेस ऑफ वैक्सीनेटिंग पीपल विद को तो वैक्सीनेशन से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ वगैरह चल रही हैं नेक्स्ट मंथ जो यू का मेन्स एग्जाम होने वाला है यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन और टू ऑन वैक्सीनेशन ऑन वायरसेज ऑन हाउ टू टैकल दीज चैलेंजेस कोई ऐसा क्वेश्चन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एथिक्स को मिक्स करके पूछ लिया जाए समथिंग लाइक दैट तो ये आर्टिकल बहुत रेलिवेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से दैट टू दोज पीपल हु हैव सम को लाइक और डायबिटीज़ और थायराइड uh, कोई भी कोमोबिलिटी है किसी को ऐसे लोगों को जब वैक्सीनेट किया जाएगा तो उसकी एथिकल डायलेमा उसमें एथिकल प्रॉब्लम्स क्या आएंगी दैट ईच कोमोबिलिटी इंक्रीज वॉलरबिलिटी हर कोमोबिलिटी के साथ इस वायरस का खतरा बढ़ जाता है बट इन केस ऑफ वैक्सीन शॉर्टेज वट टू डू मल्टी मोबिलिटी शुड बी गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस जिनको जितनी ज्यादा मोबिलिटीज होंगी उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जानी चाहिए सो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन द लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस कि वैक्सीनेशन में किन लोगों को प्रेफरेंस दी जानी चाहिए वट आर द एथिकल डायलेमाज कोई केस स्टडी आपको पूछी जा सकती है एथिक्स के पेपर में समथिंग लाइक दैट बिकॉज इट इज़ अ हॉट टॉपिक और वैक्सीन पे काफी कुछ चल रहा है अभी ऑन पेज नंबर सेवनटीन यस टू इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑन पेज नंबर सेवनटीन एफ ए क्यू पेज पहला है आर एन आर आईज लाइकली टू गेट पोस्टल वोटिंग राइट्स सून तो एक बात चल रही है अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ डिस्कशंस चल रही हैं लॉ मिनिस्ट्री की कि जो एन आर आईज हैं क्या उन्हें पोस्टल वोटिंग वोटिंग राइट दिया जा सकता है बिकॉज दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया बट दे आर नॉन रेजिडेंट्स तो क्या उन्हें वहाँ से यहाँ तक यानी कि फॉरन कंट्री से यहाँ तक बाई पोस्ट अपनी वोट डालने का राइट दिया जाना चाहिए या नहीं वट आर द इश्यूज इन्वॉल्व लॉजिस्टिकली कौन से इश्यूज इन्वॉल्व हैं क्या इससे वोट काउंटिंग प्रोसेस में देरी आएगी क्या इससे कोई एथिकल प्रॉब्लम होगी या किससे किसी तरह की रेगुलेशन में या कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम आएगी ऑल दीज इश्यूज आर बीइंग डेलिब्रेटेड अपॉन तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ये पूरा आपको समझाया गया है इसके फेवर में भी आपको आर्ग्यूमेंट्स तैयार करने हैं इसके अगेंस्ट भी आर्ग्यूमेंट्स तैयार करने हैं ओके okay? इस साल ये इस वजह से ज़्यादा न्यूज़ में है बिकॉज पहली बात तो हम वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं एंड सेकेंडली इस साल जो पोस्टल वोटिंग है ये कुछ और लोगों को एक्सटेंड की गई है जैसे पहले ये जो पोस्टल वोटिंग थी ये सिर्फ सर्विस वोटर्स को या फिर जो डिफेंस पर्सनल हैं जो बॉर्डर पर तैनात हैं उनको ये राइट दिया जाता था बट नाउ इट इज़ बिंग गिवन इट इज़ बिंग कंसिडर्ड फॉर सीनियर सिटीजन एज वेल कि जो 60 साल से या 70 साल से ऊपर के हैं जो वोट डालने नहीं आ सकते वो पोस्ट के थ्रू भेज सकें बट नाउ इसको ब्रॉडन करने की कोशिश हो रही है जैसे यू में किया गया है वहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को भी राइट right दे दिया गया है एंड अ होल कैटेगरी ऑफ पीपल इसीलिए यू एस प्रेजिडेंट के इलेक्शन के वक्त वोट्स काउंटिंग में इतना वक्त लग गया बिकॉज मिलियंस ऑफ पोस्टल बैलेट्स हैड टू बी काउंटेड तो ये आपको आर्टिकल पढ़ना है फॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड सेकेंडली दिस आर्टिकल आई आई टीज एंड रिजर्वेशन तो एक पैनल एक कमिटी है जिसने रिकमेंड किया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फैकल्टी को रिक्रूट करते हुए जो कोटा है उसको बाईपास किया जाना चाहिए बिकॉज इनफ इनफ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंसड फैकल्टी इज़ नॉट अवेलेबल फॉर रिक्रूटमेंट टू आई इसलिए उस क्राइटेरिया को रिलैक्स किया जाना चाहिए एंड ओनली मैरिट शुड बी गिवन कंसिड्रेशन ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आज से कुछ 10-12 साल पहले जब ओ कोटा इंट्रोड्यूस किया गया था द मैरिट वॉज कॉम्प्रोमाइज टू अ लार्ज एक्सटेंट और अब वही स्टूडेंट्स जब वहाँ से पढ़ने के बाद फैकल्टी के लिए रिक्रूट होने के लिए आ रहे हैं दे डो नॉट मैच द क्राइटेरिया सो द क्राइटेरिया for studying as a student in iit is different, and for teaching as a faculty in iit is different, and that is leading to problems. so, ye aapko hai. what are the challenges it poses on uh, affirmative action? what are the challenges it poses to article 16 of the constitution that provides for reservation to scheduled castes, scheduled tribes, and backward classes for public employment? so, ye do no article aapko <coughs> पेज नंबर एटीन फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में है जनरल सा आर्टिकल अगर आप चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं अदरवाइज नॉट वेरी रेलिवेंट वट इज रेलिवेंट इज नंबर वन एस फो हंड्रेड मिजाइल सिस्टम द लॉन्ग रशियन आर्म्स इन द स्काइज ये आप पढ़ सकते हैं ये ऐसा नहीं है कि हमने डिफेंस के या हथियारों में बहुत एक्सपर्ट बनना है फॉर द पर्पज ऑफ सिविल सर्विसेज दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस पर्टिकुलर मिजाइल सिस्टम इज बींग परचेज बाई इंडिया नंबर वन तो आपको इसकी फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए एंड नंबर टू दिस इज द सेम मिसाइल सिस्टम विच हैज़ बीन परचेज बाय टर्की फ्रॉम रशिया और इस वजह से टर्की के ऊपर यूएसए ने सेंशनज लगा दिए हैं सो यूएसए हैज अपेरेंटली एन एक्ट नेम्ड काक्सा सी डबल ए टी एस ए काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट तो जो अमेरिकाज के एडवर्सरीज हैं जैसे कि नॉर्थ कोरिया ईरान और रशिया इन तीनों के साथ कोई भी कंट्री डिफेंस डील साइन करती है तो अमेरिका उस कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा देता है लाइक द वे यू एस डन विद टर्की टर्की ने रशिया से ये एस फोर हंड्रेड मिज़ाइल सिस्टम खरीदे और यू एस ए ने अब टर्की के ऊपर सैक्शन लगा दिए हैं इंडिया हैज ऑल्सो परचेज एस फोर हंड्रेड मिजाइल सिस्टम फ्राम रशिया लेकिन ये परचेज़ जो है वो काट्सा के एप्लीकेबल होने से पहले कर ली गई थी ये जो डील है वो साइन हो गई थी काटसा के फोर्स में आने से पहले दैट इज़ एन एक्सक्यूज विद इंडिया बट इट शुड नॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज बाय इंडिया इंडिया शुड इंडिया शुड फोर्सफुली एजर्ट दैट दिस इज आवर दिस इज अ राइट ऑफ अवर सॉबरेंटी हमारी अपनी मर्जी है हम किससे क्या खरीदें क्या नहीं नो थर्ड कंट्री शुड बी एबल टू डिक्टेट टर्म्स टू अस दिस इज़ अ सॉबरन थिंग वी शुड वी कैन परचेज एनी थिंग फ्रॉम एनी वन तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है आप इसको पढ़ेंगे जरूर देन दिस द इस्लामिक स्टेट इन अफ्रीका बोको हराम एक मिलिटेंट ग्रुप है बोको हराम बोको का मतलब होता है वेस्टर्न एजुकेशन वेस्टर्न ट्रेडिशनस एंड हराम का मतलब होता है कि ये गलत है सो बोको हराम मीन्स दे डिनाउंस वेस्टर्नाइजेशन तो ये एक मिलिटेंट ग्रुप है अफ्रीका uh, में तो कैसे ये वहाँ पर जिहादिस्ट फिलोसफी को प्रोपोगेट कर रहा है क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंज़ हैं सो दिस यू कैन स्टडी फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू इसको आपने ऐसे नहीं सोचना दैट दिस इज ओनली फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अफ्रीका, द सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो पोज चैलेंजेस टू इंडिया एंड द सब कॉन्टिनेंट तो उस कॉन्टेक्सट में यहाँ से आपको पॉइंट्स उठाने हैं तो ये दोनों आर्टिकल आपने पढ़ने हैं देन मूविंग ऑन टू द इंडियन एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस पे हम चलेंगे World page, page, because other than that, there are not many important news here. Okay, on the economy page. Okay, not many important news here. Yes, the world page. In the Indian Express. गो टू पेज नंबर सिक्सटीन द वर्ल्ड पेज तो संडे को इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन पेज नहीं आता है एडिटोरियल पेज भी नहीं आता है सो डायरेक्टली गो टू द वर्ल्ड पेज वही मॉडर्ना वाली न्यूज है सो इट इज़ जस्ट रेपिटेशन देन ये एक न्यूज़ है रनिंग न्यूज़ है कि यू के ने दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया है सो दैट शोज अ न्यू वेव इज कमिंग अप इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड तो एज सच आप बस इसको पढ़ लेंगे इसको कहीं नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है नाउ दिस न्यूज़ इज इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेज रशिया वॉज बिहाइंड मेजर साइबर अटैक इन यू एस तो अब जो आउट गोइंग यू एस एडमिनिस्ट्रेशन है अंडर यू एस यू एस आउट गोइंग प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मिस्टर माइक पोम्पियो उन्होंने एक्यूज़ किया है रशिया को कि बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ था यू एस में एंड रशिया वॉज बिहाइंड दैट साइबर अटैक सो दे आर ट्राइंग टू अप द रेटोरिक बिकॉज दे आर गोइंग आउट सो आपको इसको बहुत ज़्यादा रेलिवेंस तो नहीं देनी है वट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ यू एस ए ने जितने भी लॉज पास किए हैं इन द लास्ट थ्री फोर ईयर्स विच आर टू टैकल रशिया यू एस रशिया रिलेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया सो द कोर थिंग यू हैव टू नो इज़ यू एस रशिया रिलेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड हाउ शुड इंडिया बैलेंस इट्स रिलेशनशिप विद बोथ यू एस एज वेल एज रशिया ये चीज़ आपको यहाँ से लेनी है कैसे इंडिया काट्सा जैसी चीज़ को टैकल कर सकता है कैसे इंडिया रशिया के साथ भी अपनी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बनाए रख सकता है बिकॉज रशिया इज़ एन ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ इंडिया और कैसे यूएसए के साथ भी उसके रिलेशन खराब ना हो सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू टेक कीप इन माइंड आई आर पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की न्यूज़ आपको पढ़नी है नो नेगेटिव न्यूज़ हाउ चाइना सेंसर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट कोविड नाइन्टीन कोविड नाइन्टीन के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी तरह से सेंसर करके रखी चाइना ने मीडिया में नहीं आने दी सो दैट देर इज ऑल

तो उसका नाम स्पेनिश फ्लू इसलिए नहीं था कि वो स्पेन से फैला था उसका नाम स्पेनिश फ्लू इसलिए था क्योंकि उस फ्लू को रिपोर्ट करने के लिए सिर्फ स्पेन का मीडिया था जो फ्री था तो स्पेन के मीडिया ने इस फ्लू को रिपोर्ट किया तो उसका नाम स्पेनिश फ्लू रख दिया गया जबकि वो फैला था कि दूसरे कंट्रीज़ की वजह से लेकिन उन कंट्रीज़ में प्रेस जो थी वो सेंसर्ड थी वो फ्री नहीं थी तो इसलिए उसका नाम जो है वो डेरोगेटरी है मतलब इट इज़ अ मिस नॉर्मा इट वॉज नॉट स्पेनिश फ्लू वो स्पेन से नहीं फैला था उसे रिपोर्ट स्पेन की प्रेस ने किया था बिकॉज इट वॉज फ्री प्रेस तो उससे एक पैरल ड्रॉ कर सकते हो कि कैसे दिस फ्लू वॉज एक्चुअली चाइनीज फ्लू बट इट वॉज नॉट रिपोर्टेड इन चाइनीज मीडिया एज मच उसको सेंसर कर दिया गया था सो यू कैन ड्रॉ पैरल हेयर फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन आ जाए फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाए देन हाउ यू कैन टैकल इट सो दिस इज़ ऑल यू हैव टू रीड इन द न्यूज़ पेपर टुडे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक like. Subscribe and share it with your friends. Do not forget to press the bell icon so that you get notified of the videos as soon as we post it. Thank you and have a nice day.